हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है हाईटेक हॉस्टल के ऊपर, और अभी मैं आपको हाईटेक हॉस्टल जो है वो विज़िट कराता हूँ, और साथ ही साथ अभी वो सिक्योरिटी गार्ड भी मेरी तरफ चलता है। अरे पता नहीं मैं कौन हूँ या क्या सीन है, सब गार्ड दिखाना उनको भी। मैंने अभी कार्ड दिखाया और अब वो खुशी खुशी चले गए। तो खैर सीन यही है, अभी आपको ले कर चलता हूँ हॉस्टल की तरफ पहले, और बाइक को पार्क करता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कि क्या सीन है हॉस्टल का। जी तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जो है हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, हमारा जो जिना हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का फॉर बॉयज़ उस तरफ, और अभी रेनोवेशन जो है वो भी यूनिवर्सिटी की सारी हो रही है। तो ये देखें अभी सारे काम कर रहे हैं, और ये हमारा डिपार्टमेंट इसरार ब्लॉक, और इसी तरह वो हमारा सेक्रेटरीट ऑफिस प्लस मैथ्स और सिविल डिपार्टमेंट जो उधर है। इसी तरह सामने हमारे रूमी ब्लॉक है जो कि BBA डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर, और इसके नीचे हमारा कैफेटेरिया। तो पहले मैं DSA गया था क्योंकि रेनोवेशन हो रही है, तो उनसे पहले मैंने परमिशन लिया कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ हॉस्टल की, क्योंकि मैं हॉस्टलाइड नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने उनसे परमिशन ली और अभी मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। तो हमारा हॉस्टल जो है वो बिल्कुल इसी अगर रोड पर चलते रूमी ब्लॉक है सामने, और इसी के लेफ्ट साइड पर जो मेरा डिपार्टमेंट है सर सैद ब्लॉक SC डिपार्टमेंट वो आ जाता है, और उसी के आगे जो अब आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारा जिना हॉस्टल है। जी तो फाइनली वी आर एट जिना हॉस्टल, और जो स्टूडेंट जो हॉस्टलाइड हैं वो अगर अपनी बाइक्स और गाड़ी लाते हैं तो उनकी यहाँ पे पार्किंग है। ये देखिए कुछ बाइक्स खड़े भी हैं, तो अभी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो यहाँ पे मुझे उबैद भाई मिले हैं, आपका डिपार्टमेंट कौन सा? मेरा इलेक्ट्रिकल है, हम लोग तो ग्रेजुएट हो चुके हैं। ओके, बस थीसिस पे थोड़ा काम वगैरह बाकी है, तो इस वजह से थोड़ा रुके हैं यहाँ। तो अभी यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी? अभी तो ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, जिनके समर्स वगैरह हैं या कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, जिसका अभी मेरा थीसिस रहता थोड़ा। ओके, तो उस तरह भी स्टूडेंट रुके हैं। तो अभी थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बताएं, लाइक हॉस्टल में कौन कौन से स्टूडेंट्स अभी हैं और कैसे सेक्शन बनाया जाता है, लाइक जूनियर्स जो आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चार फ्लोर हैं बेसिकली, स्टार्टिंग जो होता है वो TF फ्लोर से होता है आपका, जो टॉप फ्लोर है आपका, वहाँ आपके जूनियर्स आते हैं। ऐसा तो सेपरेशन नहीं की जाती कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैकेनिकल वाले अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले अलग होंगे, ठीक है, तो बस आते हैं रैंडम। अभी तो हम लोग तो जब आए थे उस वक्त तो बस चालान जमा हुआ था, तो उन्होंने खुद ही जो है ना पोजीशन जनरेट कर दी थी। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो इस तरह करते हैं कि आपको पोर्टल पे एसएस दी जाती है, जिसकी वजह से आप अपने रूम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं इकट्ठे कम्बाइंड रूम। तो मतलब पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब अपना रूम जो वो चेंज करवा सकते हैं। जैसे जैसे इदारा बढ़ता जाता है उसके अपडेट्स होती रहती हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपना अपना करते रहते हैं। ओके, तो जिना हॉस्टल जो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो भी शेयर करने आप, लाइक फाइनली? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हम लोग स्टार्टिंग जब आए थे तब तो नुसरत हॉस्टल में थे। सही, तो फिर फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने शिफ्ट किया इधर। ओके, हम लोग सेकेंड फ्लोर पर आए थे। बंदा तो हमारा FF फ्लोर था, लेकिन उस वक्त उधर गुंजाइश नहीं थी, SF फ्लोर पे जगह मिली तो उधर आ गया। तो आपने क्योंकि अब आप फाइनल ईयर लाइक पास आउट हो चुके हैं, तो आपने तो यहाँ पे मतलब चार साल जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने क्या चेंज देखा हॉस्टल में? हॉस्टल में एज सच तो फैसिलिटीज़ का चेंज जिस होता रहता है, जिस तरह गीजर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब स्टूडेंट को पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन अकोमोडेट किया गया, अब आपको शायद नज़र आ रहे हों जी जी, ये रूम कूलर्स वगैरह पड़े हुए अक्सर रूम्स के बाहर, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा बिल पे करके तो आप रूम कूलर्स वगैरह। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये हॉस्टल बेहतर है या हॉस्टल यूनिवर्सिटी के बाहर बेहतर है, उसके बारे में कुछ? देखें वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपने हल्ला गुल्ला करना है, घूमने फिरने हैं, ठीक है, ये है कि इधर अब 10 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाता, आप वोटिंग करके जाएं। सही, तो अगर सेफ्टी माँ बाप के लिए भी सिक्योरिटी होती है। अब जब मेरा एक्सपीरियंस था, मैं भी जाना चाहता था जब कोरोना के दिन, क्योंकि शिफ्टिंग की तो हमें हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, तो फिर लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं
सेफ्टी अंदर सिक्योर है। बाहर के हॉस्टल्स के अक्सर सुनने में आता है कि कभी लैपटॉप चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, तो इधर ऐसा सच कोई है। तो एक्सपेंसेस के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे, ये बेटर है या बाहर? एक्सपेंसेस तो जारी बात है, ये अंदर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बाहर अकोमोडेशन उस तरह की नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर लॉन्ड्री और उसके बारे में, लॉन्ड्री वगैरह मौजूद है बिल्कुल, ये बैक पे जाएं जैसे ही तो आपकी लॉन्ड्री वगैरह है आपको। एक आपको मंडे को देना पड़ता है जिसमें आपको 12 पीसेस होते हैं, और थर्सडे को फिर आप 2 पीसेस दे सकते हैं। और इसके अलावा खाने का, मेस का क्या? मेस तो सिस्टम नहीं है। तो वो आपने खुद ही करना, वो खुद ही करते हैं। कैफे एक इधर है, ठीक है, अब एक नीचे आप जा पाए होंगे, फूड फॉर यू नया खुला है, ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। और एक यहाँ पे भी कॉर्नर पे, यही वाले जो हंगरी हट वाले थे, इन्होंने अब वो फूड फॉर यू वहाँ पे चले। सही, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। जी, तो ये जो आपको साइड नजर आ रहा है, ये स्पेशली जो हमारी फैकल्टी है टीचर्स उनके लिए, और बाकी आप देख सकते हैं हमारे जिना हॉस्टल है। अभी एक भाई मिले थे, उन्होंने काफ़ी बताया। ये अब अंदर चलते हैं हॉस्टल के, अगर आपको दिखाते हैं, रेनोवेशन चल रही है तो आपको कुछ क्लासेस है वो भी दिखा दूँगा। तो हॉस्टल में एंटर हों तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया सारा, और इसी तरह आगे जाएँ तो हमारा रिसेप्शन है, और यहाँ से स्टूडेंट जो है वो चेक इन करते हैं, और ये हमारा जो सबसे ग्राउंड पे फ्लोर है ये वो, ठीक है। यहाँ पे भी रूम्स हैं स्टूडेंट के लिए, मोस्टली जो पहले स्टूडेंट होते हैं ना वो यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं, और इसी तरह जो बिल्कुल एंड पे रूम्स हैं वो फैकल्टी के लिए हैं। और साथ ही साथ में जो आपके जूनियर लाइक जो न्यू आते हैं उनके सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे क्लासेस होते हैं, सॉरी रूम्स होते हैं। और यहाँ से ऊपर जाएँ तो बाकी जो रूम्स हैं ऊपर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मिरर जो है वो भी है, तो यहाँ पर आप अपने होलिया सेट करके फिर क्लासेस के लिए जा सकते हैं। ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए भी जगह है, और इसी तरह ये हमारी जो फ्लोर है सेकंड, ये मस्जिद है यहाँ पे, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी देख सकते हो। ऊपर आए हैं और यहाँ पे ये देखें रूम स्टूडेंट्स का, तो हर रूम में लाइक 4 स्टूडेंट्स हैं उनके अलाउ किया गया, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं वो बैठ सकते हैं। अपना रूम चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, लाइक अपने डिपार्टमेंट वाले जो आपके जानने वाले जो हॉस्टल गाइड हैं, क्लास फेलोज, आप उनके साथ भी बैठ सकते हैं। तो आप ये मेरे पीछे देख सकें, हर स्टूडेंट के लिए स्टडी टेबल भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर बैठ के पढ़ भी सकता है, साथ ही साथ ये शेल्फ्स गिवन है, यहाँ पर अपनी बुक्स रख सकते हैं। इसी तरह हर स्टूडेंट की अपनी कबर्ड है, और वो यहाँ पे अपने सारा जो सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह ये देखें वॉशरूम है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, सेटिंग भी हो रही है वॉशरूम की, तो ये वजू करने की जगह भी है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये सारा, यहाँ पे शावर्स हैं, लाइक एट अ टाइम बहुत से स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे शावर ले सकते हैं, और इस तरफ जो है वॉशरूम्स हैं। ये एरिया जो है स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उससे नीचे आते हैं, लाइक ये उनके लिए सारा पोर्शन जो टीचर्स हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में और बाहर के हॉस्टल में ज़ाहरी बात है एक्सपेंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री अवेलेबल है, इसके साथ साथ आपको रूम्स हैं, तो बाहर तो आपको सिंगल रूम भी मिल जाता है, जैसे मेरा दोस्त है वो बाहर रहता है, वो अकेला ही रहता है एक रूम में, और इसके साथ साथ आपको खाना जो है वो आपको खुद ही लाइक कैफ़े से लेना पड़ता है। सेकेंडली यहाँ पर जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि आप 10 बजे के बाद यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते, और अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारा हाईटेक का स्टेडियम है, तो आपको स्पोर्ट्स के लिए लाइक बैट चाहिए या कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, जैसे टेबल टेनिस हो गया, हॉकी, बैट, रैकेट, शटल, एनीथिंग, वो आपको दे दी जाती है। साथ ही साथ आप हमारे हाईटेक का अपना जिम है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार ये तो सीन हो गया लड़कों का, हॉस्टल आपको मैंने दिखा दिया, तो लड़कियां जो हैं जो हॉस्टल में रहना चाहती हैं तो उनके लिए भी हाईटेक में ये हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो भी अगर चाहती हैं हॉस्टल में आना तो उनका हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटी गेट जो है एंट्रेंस उसके पास है। बेसिकली यूनिवर्सिटी का वो अपना हॉस्टल नहीं है, जो HIT ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, उन्हीं का एक कंबाइंड हॉस्टल है जो गर्ल्स के लिए, लाइक जो
मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो भी वहाँ पे, लेकिन अब हाईटेक यूनिवर्सिटी अपना भी गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल जो है वो बना रहे हैं, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो भी लाइक मेरी जब डायरेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो हॉस्टल जो है वो इंशाल्लाह फरवरी तक ओपन हो जाएगा। आप अगर लड़कियां और आप अगर हॉस्टल में आना चाह रही हैं तो आपके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस पॉइंट वहाँ का ये है कि उनके लिए मेस भी अवेलेबल है, खाने के लिए लाइक 24 आवर उनके लिए मेस ओपन होता है। तो बॉयज़ हैं उनके लिए ये कि तुम लोगों को कैफ़े जाना पड़ेगा। सही है। तो यार ये सीन है, आप देख सकते हैं हॉस्टल उस तरफ है लड़कियों का, और ये हमारी मेन एंट्रेंस ही है यूनिवर्सिटी के, उसके लेफ्ट साइड पे हमारे हॉस्टल है। तो ये था आज की हॉस्टल वीडियो, और अगर आपको पसंद आएगी सो मेक श्योर टू लाइक एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय। यूनिवर्सिटी में अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने तंग किया ना तो वो बताऊँ क्या, ये